told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. हेलो फ्रेंड्स, मैं हमीना, फाइंडिंग डैम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी आई हूँ मरवंडी डैम, ये पावना डैम के पास ही में है। अगर आपको कैंपिंग पसंद है तो मैं आपके लिए एक यूनिक तरीका लाई हूँ कैंपिंग का। पावना डैम के पास जाकर आपको बोरिंग से वो टेंट वाला एक्सपीरियंस लेना नहीं होगा, तो आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि इसे बहुत ही अच्छे तरह से डेवलप किया गया है, जिस वजह से आपकी जो कैंपिंग है वो बोरिंग होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर है ना कॉटेजेस भी है, टेंट्स भी है, नॉर्मल टेंट्स अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी है, और नए टेंट्स भी आ रहे हैं। तो चलिए मैं अभी आपको पूरा का पूरा जो रिसॉर्ट है उसे दिखा देती हूँ। और रिसॉर्ट का नाम है वाटर एज स्टेकेशन, और ये डैम टच प्रॉपर्टी है, माउंटेन व्यू है, बहुत ही बढ़िया है। ये जो जगह है ये पुणे से 65 किलोमीटर की दूरी पर और मुंबई से 135 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत बढ़िया है। हम तो आए थे पुणे से चांदनी चौक से होते हुए पाउड रोड से हारशी से होते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। रास्ते की कंडीशन बहुत ही अच्छा है, मेन रोड से ये थोड़े से अंदर की ओर है, हाफ किलोमीटर जो कच्चा रास्ता है, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, रास्ता जो है वो बढ़िया है। तो चलिए मैं अभी आपको जो रिसोर्ट टूर देना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर आप सेफ, कोजी एंड ब्यूटीफुल लोकेशन ढूंढ रहे हो तो ये स्टेकेशन आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर आने के लिए आप गूगल मैप की मदद ले सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ के रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर ना आपको गूगल पर इसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलेगा, तो मैंने यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। It's a magical place to enjoy holiday with nature. Entrance तो बहुत ही amazing है। अंदर जाते ही हम लोगों को पार्टी वाला माहौल दिखता है। Clean place है ये, hygiene भी यहाँ पर बहुत बढ़िया maintain होता है। यहाँ पर रात को ना तो बहुत ही beautiful दिखने लगता है ये place। यहाँ पर ड्रीम कैचर हर जगह पर लगाए गए हैं, एकदम रस्टिक माहौल हो जाता है। यहाँ के जो वुडन कॉटेज जैसे उसके अंदर फैन है, उसकी वजह से हम लोगों को ना थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है। फैन जो कैंप के अंदर है उसके वजह से बाहर की तरफ छोटा सा लॉन दिया गया है, ब्यूटीफुल पाथवे, और यहाँ के जो कंटेनर है, जो ग्लास कंटेनर है उसके अंदर एसी है, बाहर की तरफ भी लॉन छोटा सा दिया गया है, लाइटिंग, यहाँ का जो कोरो के वो सब कुछ जो सिस्टम है, यहाँ पर सब कुछ सिस्टमैटिक और बढ़िया है। सो गाइज, मैं अभी आपको यहाँ की जो रूम है वो टूर करवा देती हूँ। यहाँ के जो कंटेनर रूम है वो देख सकते हो, सामने की तरफ ग्लास है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपसे आपको जो माउंटेन और लेक है उसका व्यू देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर से सामने की ओर चेयर रखे जाते हैं जिससे आप बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। और यहाँ पर जिन लोगों ने जो छोटे छोटे जो टाइनी स्पेस दी गई है, जो पाथवे है, ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये देख सकते हो सामने की तरफ ग्लास है, कर्टन्स है जिससे आपको जो अंदर से बाहर का जो व्यू है वो अच्छे से दिखाई पड़ता है। ये है यहाँ का बेड, क्वीन साइज बेड है। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो थर्ड पर्सन है यहाँ पर नहीं आ सकता। तो ये देखो साइड टेबल है, यहाँ पर लैंप लगे हुए है जिससे रात को तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है इस रूम पर, क्योंकि जो वुडन लुक यहाँ पर दिया गया है वो सच में बहुत अमेजिंग है। फैन है, इसके साथ साथ यहाँ पर एसी है, तो यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एसी लगाकर आप गर्मी में सो सकते हो। एक मिरर दिया गया है, अमेजिंग। और ये देखो, ये है यहाँ का वॉशरूम, वॉशरूम भी वुडन टेक्सचर का है। यहाँ पर बेडिंग एरिया है बीच में, बहुत बड़ा है वैसे। और इधर हैंग कपड़े हैंग करने के लिए यहाँ पर हैंगर्स भी दिए गए हैं, बहुत अच्छा है ये। और यहाँ पर से हम लोगों को जो व्यू है वो भी काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ने वाला है। तो ये देखो, ये है यहाँ का व्यू।
सामने की ओर ग्लास होने की वजह से आप बेड पर सोए सोए भी इस व्यू का मजा ले सकते हो। तो मैं अभी आपको ये जो यहाँ के जो टेंट है, मतलब कैंपिंग टेंट नहीं, जो वुडन के टेंट है, कुछ नया है। आप देखो, ये है यहाँ के टेंट, और यहाँ के टेंट पर ना सामने की ओर लॉन दिया गया है, जिस पर चेयर में पर बैठ के आप जो व्यू है उसे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर लाइटिंग दी गई है, बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए, ये अंदर से कितना बड़ा है, कैसा है, वो आपको दिखाई देती हूँ। यहाँ पर ना नॉर्मली हम जो कैंपिंग टेंट देते हैं उसके अंदर फैन नहीं होता, लेकिन इसके अंदर हम लोगों को, आप देखो ये फैन है, ये है यहाँ का जो बेड क्वीन साइज, और यहाँ पर फैन है, तो आपको यहाँ पर गर्मी की कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लाइट भी है, तो बहुत बढ़िया है ये। इसका जो वॉशरूम है, हम लोगों ने जो कंटेनर रूम्स देखे उसके अंदर ही वॉशरूम था, लेकिन इसमें हम लोगों को कॉमन वॉशरूम देखने के लिए मिलते हैं। 4 यहाँ पर वॉशरूम्स हैं, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे होगे तो आपको कॉमन वाला वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको वो वाली जो रूम है जिसके अंदर वॉशरूम है वो आप ले सकते हो। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. So, मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ का जो डाइनिंग एरिया है, आप कह लो, या फिर यहाँ पर करोके होता है रात के टाइम पर। ये देखो, ये है वो प्लेस जहाँ पर करोके होता है। यहाँ पर हर एक जगह पर ड्रीम कैचर रखे हुए हैं, अम्ब्रेला है लटका है, और सामने की तरफ करोके होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक झूला भी है जिसमें आप झूल सकते हो। और यहाँ पर है ना, नई प्रॉपर्टी आ रही है कैंप की ही, टेंट की एक नई वैरायटी हम लोगों के लिए। मतलब आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ है कैंपिंग की। मतलब पावना तो उसी के लिए ही फेमस है कि कैंपिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ना, फर्स्ट तो बात कि यहाँ पर फूड अवेलेबल है। फूड में हम लोगों को जो पैकेज में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको अलग से मंगाना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ पर वेज, नॉन वेज, चाइनीज़, फ़िश, यहाँ पर के सामने के लेक पर ही फिशिंग होती है, फ्रेश फिश आपको सर्व किया जाता है, तो बोलो और क्या चाहिए। यहाँ का जो चेक इन टाइम है वो 4 o'clock का है, और 11 का चेक आउट है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, मैंने जो भी इसकी जो डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपको लोकेशन चाहिए होगा, वो सब कुछ चाहिए होगा, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो गाइज, ये देखो, यहाँ पर है ना जो नॉर्मल टेंट्स होते हैं वो लगा देते हैं, और यहाँ पर कायकिंग का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप कायकिंग भी कर सकते हो, और यहाँ पर ना पैडल बोट भी अवेलेबल है। तो आप, मतलब आप डैम के पास आ रहे होगे तो ऑब्वियसली आपका तो बोटिंग करने का मन तो होने ही वाला है ना। तो यहाँ पर बोटिंग है और पैडल बोट भी है, जिसके 100 rupees चार्जेस है सिर्फ पर पर्सन, तो वो भी आप इसे यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ का जो व्यू है वो तो देखो बहुत ही बढ़िया है।
मैं अभी आपको यहाँ का जो रात का व्यू है वो दिखा देती हूँ पिक्चर्स के थ्रू। बहुत ही बढ़िया होता है। यहाँ पर आप सेलिब्रेशन भी कर सकते हो जिसके डेकोरेशन के चार्जेस अलग से लगते हैं। बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू होता है। यहाँ का मैं आपको मेनू कार्ड दिखा रही हूँ जिसमें आपको पंजाबी और महाराष्ट्रियन फूड के ऑप्शंस अवेलेबल है। सो गाइज, मैं अभी आपको यहाँ की जो प्राइस है उसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ के जो आपने जो कैंपिंग के टेंट देखे जो वुडन के थे, उसके चार्जेस है 900 रुपीज पर पर्सन। इसमें जो फूड है वो इंक्लूड नहीं है, सिर्फ स्टे इंक्लूड है। उसके बाद जो हम लोगों ने कंटेनर रूम्स देखे जिसे पूरा सामने की तरफ ग्लास लगा हुआ है, एसी कंटेनर्स है वो, उसके जो चार्जेस है वो है 1500 रुपीज पर पर्सन, जिसमें फूड इंक्लूड नहीं है। आपको यहीं पर से फूड अब ऑर्डर करना होगा। मेनू कार्ड का जो फोटो मैंने डाल दिया है, बहुत बढ़िया है। ये यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना वो सच में बढ़िया है। अलग टेंट्स बन रहे हैं, अलग बने हुए टेंट्स है, जो कंटेनर रूम है जिसे सामने की तरफ ग्लास है वो भी बहुत बढ़िया है। सामने की तरफ आप तो देखो जो रूम से जो व्यू मिलने वाला है ना वो सच में बहुत ही बढ़िया है। आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये स्टेकेशन कैसा लगा। ये रिसेंटली ओपन हुआ है, 1 से 2 महीना ही हुआ होगा, मतलब आप सोच सकते हो कि आपको सब कुछ नया यहाँ पर मिल रहा है। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।